हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में हम लोग सीरीज के सम फाइंड कर रहे हैं। और मान लीजिए कि हम इस सीरीज का सम फाइंड करना है। दिस इज फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसा दिखता है कि हमें बार बार फैक्टोरियल कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन हम उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको मैं दिखाता हूँ। फैक्टोरियल को फाइंड करने के लिए मान लीजिए कि एक एफ वेरिएबल है जिसमें 1 है इनिशियलाइज्ड वैल्यू, और अगर आप इस एफ में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फैक्टोरियल 2 बन जाएगा, और अगर आप इस एफ में 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ पहले से 2 है और आप इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फैक्टोरियल 3 बन जाएगा, और एफ जो कि पहले से फैक्टोरियल 3 है उसमें आप 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फैक्टोरियल 4 बन जाएगा। इसी तरह से एफ अगर पहले से फैक्टोरियल 4 है और आप इसमें 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फैक्टोरियल 5 बन जाएगा। इसी फैक्ट का यूज करते हुए हम लोग इस सीरीज का सम करते हैं। तो मान लेते हैं कि फैक्ट एक वेरिएबल है जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है, और इसके बाद हम एक सम ले लेते हैं, उसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, एंड देन इसके बाद एक लूप चलाते हैं 1 से लेके डिजायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स तक, और इसके बाद सम इज इक्वल्स टू करते हैं सम प्लस एफ मल्टीप्लाइड विथ आई। इसका मीनिंग ये है कि करेंटली अगर एफ की वैल्यू 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा, और अगर प्रीवियसली एफ की वैल्यू 1 है और 2 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 2 का फैक्टोरियल बन जाएगा, और देन अगर ये 2 का फैक्टोरियल एफ है तो ये 3 का फैक्टोरियल बन जाएगा। एक छोटी सी गलती हम लोग कर रहे हैं, उसको सुधार लेते हैं तो ये सही हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे एफ इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाइड विथ आई कर देते हैं, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हम f इज इक्वल्स टू f मल्टीप्लाइड विथ i कर देते हैं, और एंड देन सम इज इक्वल्स टू सम प्लस f कर देते हैं। तो f की वैल्यू हर स्टेप में चेंज हो जाएगी, या लूप के हर एग्जीक्यूशन में ये चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस वाली सीरीज का, पहली वाली जो सीरीज हमारी है, उसमें सम फाइंड कर सकते हैं। रन करके देखते हैं। तो हमें जो सीरीज का सम फाइंड करना है वो है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हमें अपनी तरफ से नंबर ऑफ टर्म्स यूजर से इनपुट कराना है, आई लेना है लूप का काउंटर, सम लेना है, और इसके अलावा एक फैक्टोरियल लेना है वेरिएबल जिसको हमने 1 कह दिया या 1 इनिशियलाइज कर दिया। बिफोर डूइंग एनीथिंग हमें इस एफ को अपडेट करना है। तो एफ को अपडेट कैसे करेंगे, प्रीवियस जो एफ की वैल्यू उसमें आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं या टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड देन उसके बाद हम सम में इस एफ को ऐड कर देते हैं। तो दिस वे ये हर बार नया फैक्टोरियल वैल्यू निकाल के लाएगा और उसको हम ऐड करते रह जाएंगे। फाइनली हम एस की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। आइए इसको रन करके देखते हैं। लेट्स से मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स है 4। 4 का आंसर 33 आया। कैसे वेरीफाई करेंगे इसको 4 को 33? 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, और 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। सो 24 प्लस 6 इज 30, प्लस 2 इज 32, प्लस 1 इज 33। सो ये वेरीफाई होता है। और बड़े टर्म्स भी लेके आप देख सकते हैं इसको। लेट से हमने यहाँ पे इनपुट कराया 7, तो 5913। थोड़ा सा वेरीफाई करना मुश्किल है, लेकिन आप अपने पेन और कॉपी से इसको जरूर वेरीफाई करके चेक कर लीजिए कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। इसी कॉन्सेप्ट को हम रीयूटिलाइज करते हैं और जो नेक्स्ट सीरीज हमारी है, इस नेक्स्ट सीरीज को हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज हमारी है 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ये अभी हमने जो फार्मूला लगाया था, तो लगाया था सम इज इक्वल टू सम प्लस एफ। यहाँ पे हमने एफ को माना था एफ मल्टीप्लाई विद आई, तो पहले अपडेट करते थे देन सम में इसको ऐड करते थे, ये हमारा लूप में चलता था। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फैक्टोरियल तो हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं, लेकिन इसके नीचे डिनोमिनेटर में भी एक वैल्यू लगा रहे हैं, तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो आई ही है। यहाँ पे केवल एक चेंज होगा कि एफ डिवाइडेड बाई आई कर देंगे और हमारा ये प्रोसेस वर्क करने लगेगा। और अगर आप ध्यान से सोचें कि अगर हम फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 कर रहे हैं तो ये हमें इंटीजर वैल्यू ही देगा। सिमिलरली अगर हम फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 कर रहे हैं तो ये मुझे इंटीजर वैल्यू ही देगा। फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 अगर आप कर रहे हैं तो ये आपको
इंटीजर वैल्यू ही देगा, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये फ्लोट वैल्यू इसमें आएगी। तो चलिए क्या किया हमने चेंज, इसमें सब कुछ सेम है, बस हमने यहाँ पे डिवाइडेड बाई आई कर दिया। रन करके देखते हैं इसको, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, इसका आंसर 10 आया। अगर हम वेरीफाई करना चाहें इसको कि इसका आंसर 10 कैसे आया, चलिए तो इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं। पहले है फैक्टोरियल 1 अपॉन 1, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। फिर फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 है, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। फिर फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 है, इसकी वैल्यू 6 आएगी। और फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू आएगी 2 और इसकी वैल्यू आएगी 6। ठीक है, तो ये 10 हो गया इसका सम। तो हमने इसको भी वेरीफाई कर लिया कि इसका आंसर सही आ रहा है। अब आइए नेक्स्ट वाला सीरीज करते हैं। और नेक्स्ट जो सीरीज है वो ये वाली सीरीज है जिसमें कहा जा रहा है कि 1 + x + x² / ((2) + x³/(3) + x^4/(4) एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे फैक्टोरियल का कैलकुलेशन तो हो ही रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे फैक्टोरियल वैल्यूज हैं, लेकिन ऊपर जो है एक न्यूमरेटर भी है। और न्यूमरेटर में अगर आप ध्यान से देखें तो पहला टर्म तो 1 है, एक x अलग से गिवन है। तो पहले तो हमें सीरीज को रीराइट करते हैं। 1 + क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, (x^1)/((1) + (x²/(3) + (x³/(3) एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि अगर हम सम लें और सम को 1 से इनिशियलाइज कर दें, क्योंकि जो पहला टर्म है वो अलग दिख रहा है, बाकी जो टर्म्स है वो अलग तरीके से दिख रहे हैं। तो पहले टर्म को हमने 1 मान लिया और सम में उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो अब हमें बाकी जो टर्म्स फाइंड करने हैं वो (n-1) टर्म्स ही फाइंड करने पड़ेंगे। तो अगर हमने यूजर से n इनपुट करा लिया तो हम (n-1) टर्म्स फाइंड करते हैं। सो फॉर i = 1, i < और इक्वल टू (n-1) एंड i++। एक यूजर से हमें x भी इनपुट कराना पड़ेगा, तो x को इनपुट करा लीजिएगा। और मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का है, जिसमें न्यूमरेटर x का पावर है और जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टोरियल वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने फैक्टोरियल वैल्यू ले लिया, लेट से फैक्टोरियल वैल्यू को हमने ले लिया 1, और जो डिनोमिनेटर है, जो न्यूमरेटर है सॉरी, उसको हमने 1 से इनिशियलाइज कर लिया। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अपडेट करेंगे, बल्कि f की वैल्यू को भी आप डिनोमिनेटर ले लीजिए, d ले लीजिए इसको f। तो डिनोमिनेटर को हम अपडेट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर क्या होगा कि इसमें आई से मल्टीप्लीकेशन होगा जिससे कि ये फैक्टोरियल वैल्यू कंप्यूट हो जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर प्रीवियसली जो भी है उसमें हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर प्रीवियसली न्यूमरेटर की वैल्यू 1 है तो हम उसमें अगर एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो (x^1) हो गए, और अगर उसमें एक्स बाद में है और उसमें एक्स से फिर मल्टीप्लाई किया तो (x²) हो जाएगा। फिर से (x²) अगर है तो उसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो (x³) में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं इसको, (s = s+) न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो फ्लोट आ सकती है, तो इसलिए आप एक काम कर सकते हैं कि जो ये न्यूमरेटर की वैल्यू है या डिनोमिनेटर, दोनों में से किसी को आप फ्लोट बना सकते हैं। तो फ्लोट बाय इंटीजर डिविजन या इंटीजर बाय फ्लोट डिविजन विल गिव यू द फ्लोट आंसर। और सम को भी आप फ्लोट ही रखिएगा, क्योंकि सम करते करते आंसर आपका फ्लोटिंग पॉइंट में आ सकता है। तो आइए इसको कोड करते हैं। तो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट लिया है। लेट से हमने फैक्टोरियल को डिनोमिनेटर ले लिया है, और इसके अलावा एक इंटीजर एक्स वैल्यू ले लेते हैं, एक फ्लोट ले लेते हैं न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। जो सम हमने इंटीजर माना था अभी यहाँ पे, इस सम को हम फ्लोट ले लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें फाइंड करने हैं वो (n-1) फाइंड करने हैं। सम को 0 से ना इनिशियलाइज करके सम को 1 से इनिशियलाइज करना, मतलब कि फर्स्ट टर्म को हम पहले से इनकॉर्पोरेट करके रखते हैं सम में। तो (f) = (f)(i) की जगह अब हम फैक्टोरियल को डिनोमिनेटर में कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको डी वैल्यू मान रहे हैं। सो (d) = (d)(i), और इसके बाद जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर में पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
वी नाउ हैव न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, सो द फॉर्मूला सेज दैट सम इज इक्वल्स टू सम प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये कंप्यूट कर देगा सम हमारा और फाइनली हम सम को प्रिंट करेंगे। रन करके देखते हैं इसको। मान लेते हैं कि हमने फोर टर्म्स का सम फाइंड किया, दिस गिव्स अस आंसर वन। अब फोर का, फोर टर्म्स का आंसर वन कैसे आ रहा है इसको हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है, अच्छा सॉरी, इसमें हमें एक गलती हमसे हो गई, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं कि इसमें हमने केवल इनपुट कराया है एन की वैल्यू, हमने एक्स की वैल्यू को इनपुट नहीं कराया, एक्स की वैल्यू को भी इनपुट करा लेते हैं। और मान लेते हैं कि जो एक्स की वैल्यू हमारी है वो है टू, मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू हमारी है टू। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट कराना है, लेट्स से चार टर्म्स का हम फाइंड कर रहे हैं और टू हमारा एक्स की वैल्यू है, तो दिस इज गिविंग अस 6.3333 एंड इसको वेरीफाई कर लेते हैं, फोर टर्म्स तक सही आ रहा है या नहीं। तो हमें कैलकुलेशन करना है, वन प्लस एक्स की वैल्यू है टू प्लस टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू प्लस टू क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल थ्री। थोड़ा सा एक्सपेंशन करते हैं, वन प्लस टू प्लस फोर बाई टू एंड प्लस एट बाई सिक्स, सो दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज ऑल्सो टू, सो फाइव हो गया एंड दिस इज 1.6666, दिस इज 4/3, 1.3333, राइट। सो यहाँ पे 6, 5 + 1, 6.3333, यही हमारा आंसर आ गया। तो हमने इस सीरीज को फाइंड आउट कर लिया सही तरीके से। इसके बाद चौथी वाली सीरीज देखिए, और चौथी वाली सीरीज में क्या है कि जो ऑल्टरनेट टर्म्स हैं वो नेगेटिव हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम बट द ऑल्टरनेट टर्म्स आर नेगेटिव। सो ऑल्टरनेट टर्म्स नेगेटिव हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये भी बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। आप जल्दी से इस सीरीज को देखिए, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर। इसमें केवल हमें एक साइन का कॉन्सेप्ट को यूज करना है, और अगर हमने फर्स्ट टर्म को फ्रीज कर दिया है वन को, तो ये जो लूप है, लूप के अकॉर्डिंग जो पहला टर्म होगा वो निगेटिव होगा। लूप के अकॉर्डिंग जो पहला टर्म अगर निगेटिव है तो उस केस में हम क्या करते हैं, साइन ले लेते हैं और साइन को इनिशलाइज कर देते हैं प्लस वन से। बिफोर द कंप्यूटेशन साइन को हम अपडेट करते हैं, साइन इज इक्वल टू साइन मल्टीप्लाइड विद माइनस वन। अगर साइन की वैल्यू पहले से वन है तो ये माइनस वन हो जाएगी, और अगर ये पहले से माइनस वन है तो प्लस वन हो जाएगी, फिर प्लस वन है मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से तो निगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ऑल्टरनेट टर्म्स हमारे निगेटिव आते रहेंगे, लूप के अंदर ही एक्टिविटी हो रही है इसलिए निगेटिव आता रहेगा। और सम इज इक्वल टू सम प्लस न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर तो आपने किया ही है, इसके साथ साथ आप इसमें साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमें नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से टर्म्स मिलते रहेंगे। और में क्या चेंज होगा, इसमें हम कह रहे हैं कि हम एक साइन का यूज करेंगे और साइन को अपडेट करेंगे कंप्यूटेशन से पहले, साइन इज इक्वल टू साइन मल्टीप्लाइड विद माइनस वन, और फार्मूला को हमने चेंज किया है, सम इज इक्वल टू सम प्लस न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड विद साइन, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर करने से पहले ही आप इसको साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये रन करके देखते हैं इसको। मान लेते हैं कि हमारे पास फोर टर्म्स तक फाइंड करना है और टू मेरा इनपुट वैल्यू है, छोटा छोटा सा टर्म ले लेते हैं साइन का, थ्री टर्म्स ले लेते हैं और एक्स की वैल्यू टू ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू टू है और थ्री टर्म्स है, इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं क्या इसका आंसर वही आएगा। ओके तो सीरीज हमारी हुई वन माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी वन माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल वन, सो वन माइनस एक्स की वैल्यू टू है और प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स की वैल्यू फोर हो जाएगी, और फोर डिवाइड बाई टू करेंगे
ये 2 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारा 1 आ जाएगा, राइट। तो ये वेरीफाई हो जा रहा है इससे, और हमने देखा कि बड़ा ही आसान है किसी भी सीरीज को जनरेट करना, केवल हमें फार्मूला को चेंज करते रहना है। और हमने यहाँ पर ये भी देखा कि फैक्टोरियल को बार बार कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस नॉलेज को यूज कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप तो नए टर्म्स जनरेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और सीरीज देखेंगे।